हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। क्या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो कि नीट क्वालिफाई कर लेने वाले कैंडिडेट्स के हैं। मैं डॉक्टर कुबरे, एसोसिएट प्रोफेसर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं पिछले 13 साल से मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने आप लोगों के लिए एक बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो तैयार किया है। मैंने 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटरव्यू लिया, लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को, उन फैक्ट्स को अपने में फॉलो करते हैं तो होपफुली ये आपके लिए एडवांटेजियस होगा और हो सकता है आप नीट क्वालिफाई कर जाएं। ऐसा क्या उनमें डिफरेंट होता है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे हैबिट्स की। हैबिट्स किस तरह से पढ़ाई में असर डालती है, कैसे एक सक्सेसफुल इंसान दूसरों से डिफर करता है अपनी हैबिट की वजह से, और किस वजह से अपनी हैबिट की वजह से कैसे वो एडवांटेज में रहता है, हम इस बारे में चर्चा करेंगे आज। कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? यूजुअली आप अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं और व्हाट्सएप चेक करना चालू कर देते हैं या फेसबुक पे चेक करना चालू कर देते हैं मटेरियल्स, लेकिन ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको बताऊं जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनकी हैबिट्स किस तरह से डिफरेंट है। सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच उठ जाया करते हैं दोस्तों। हाँ, कुछ स्टूडेंट जरूर रात में पढ़ाई, लेट नाइट आवर्स तक पढ़ाई करते हैं जिसकी वजह से सुबह उठने में दिक्कत होती है, लेकिन 70-80% सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की हैबिट ये होती है दोस्तों कि वो 6 से 6:30 बजे के बीच उठ जाते हैं। इसका एडवांटेज उन्हें मिलता है क्योंकि रात में बहुत ही अच्छी और बहुत गहरी नींद लेने के बाद उनका जो ब्रेन है वो फंक्शनली फुल ऑन हो जाता है दोस्तों, वो रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि नेचुरली सभी एनिमल्स, सभी ह्यूमंस, दे आर नेचुरली मेड इन सच ए वे कि रात में जो नींद होती है बिना कोई डिस्टर्बेंस की नींद होती है और ये डीप स्लीप होती है। डीप स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि डीप स्लीप से ब्रेन अपने आप को रिपेयर करता है और फिर से एनर्जाइज हो जाता है सुबह के लिए। इसलिए आपको भी रात में कंप्लीटली नींद लेनी है और सुबह अपने काम पे लग जाना है। मैं आपको बताऊं कि 6 से 7 घंटे की नींद सफिशियंट है। ज़्यादातर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनकी नींद 6 से 7 घंटे में बहुत अच्छी हो जाती थी और वो सुबह पढ़ाई के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार समझते थे। तो दोस्तों, आपको इस हैबिट को बदलना है। अगर आप इस हैबिट को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अब फॉलो करना चालू हो जाइए, क्योंकि जितने भी स्टूडियस स्टूडेंट्स हैं वो इस हैबिट को फॉलो करते हैं, क्योंकि सुबह 6 से 6:30 बजे उठ जाते हैं, इसलिए रात में जल्दी सोना जरूरी है। और मैंने पता किया कि ज़्यादातर स्टूडियस स्टूडेंट्स रात में 12-12:30 बजे के बीच बेड पे सो जाते हैं। तो आपको 11-12 बजे के आसपास सो जाना है दोस्तों और सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच उठ जाना है। उठते ही आप क्या करना है, आपको एक 10 से 15 मिनट की किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। आपको, आप योगा कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की थोड़ी सी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 10 से 15 मिनट की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप में हॉर्मोन्स, बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, मैंने जब स्टडी किया तो मैंने पाया कि 60-70% स्टूडेंट्स सुबह कुछ किसी ना किसी प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं होना है। फिजिकल एक्टिविटी 15 से 20 मिनट की ही करनी है। बहुत ज़्यादा अगर टायर्ड हो जाएंगे आपका ब्रेन थक जाएगा, और 24 घंटे के लिए जो हमारा शरीर एनर्जी बनाता है उसका ज़्यादा कंजम्पशन ऑलरेडी ब्रेन कर रहा होता है, और अगर आप थक जाएंगे तो आपका ब्रेन उस एनर्जी को कंजप्शन करने के लिए वो एनर्जी बचेगी नहीं, और रिजल्ट होगा आपका ब्रेन थक जाएगा और आपको कंसंट्रेशन और फोकस करने में
प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको सिर्फ 10-15 से 20 मिनट की ही एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद वापस आपको बैठना है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उसके पहले सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की स्टोरी है कि वे सबसे पहले पढ़ाई करने शुरू करने से पहले 5 मिनट की प्रेयर करते हैं, अपने दिमाग को अपने माइंड को वो फोकस करते हैं, अलाइन करते हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। तो ये आपको हैबिट अपनानी पड़ेगी जिससे कि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ सकें, आपकी लर्निंग स्किल बढ़े, आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाए। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि वो सक्सेसफुल स्टूडेंट आखिर दिन भर में कितनी पढ़ाई करते होंगे, कितने घंटे अपने देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया है कि क्वालिटी आवर्स इज इम्पॉर्टेंट, इफेक्टिव क्वालिटी आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 10-12 आवर्स की पढ़ाई की हुई थी, खासतौर पर अपने अंडर ग्रेजुएट के टाइम पे जब नीट यूजी की प्रिपरेशन चालू थी, और वही स्टूडेंट 10 से 12 घंटे से भी ज़्यादा 12-14 आवर्स पढ़ाई करते हैं जब वो प्री पीजी के लिए या फिर नीट पीजी के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए, 10-12 आवर्स की क्वालिटी स्टडी इज मोर देन एनफ, बट फॉर द पीजी एग्जाम्स इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मोर देन 14 आवर्स इज मस्ट। दोस्तों हैबिट्स की जब बात चल रही है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये चलता होगा कि लगातार इतनी पढ़ाई कौन कर सकता है। नहीं, मैं लगातार पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्टूडियस स्टूडेंट होते हैं वो हर 1 घंटे में या हर 2 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक अवश्य लेते हैं, ब्रेक लेते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट वो टीवी शो देख रहे होते हैं, खासतौर पर लाफ्टर चैनल्स, वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उस समय, या फिर कोई अपनी हॉबी उस समय आप अपनी हॉबी एंजॉय कर सकते हैं उस समय। लेकिन हमेशा 1 घंटे या 2 घंटे के बीच में आपको 10-15 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ब्रेन सही फंक्शन करेगा, वरना ब्रेन थक जाएगा और थके हुए ब्रेन में कभी भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता, कभी भी ब्रेन फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए थकना नहीं है आपको, हर 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लेना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट की बात आती है, ब्रेक की बात आती है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। कई स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बताया, 70% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बताया कि वो वीकेंड पे एक मूवी जरूर देखते थे या फिर कोई स्पोर्ट्स चैनल जिसे पसंद होता था उस स्पोर्ट्स में वो हमेशा टीवी पे देखा करते थे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना, क्योंकि एंटरटेनमेंट की वजह से ब्रेन रिलैक्स होता है। म्यूज़िक आप सोच सकते हैं, म्यूज़िक भी बहुत सूदिंग म्यूज़िक ब्रेन को काफ़ी रिलैक्स करता है, इसलिए ये बहुत अच्छी हॉबीज होती है म्यूज़िक सुनना। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी एक बहुत अच्छी हॉबी है और इससे भी ब्रेन काफ़ी रिलैक्स होता है, और रिलैक्स ब्रेन अपने आप में बहुत ही एफिशिएंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और फोकस पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हैबिट आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है जो बहुत ज़रूरी है। बात आती है अगर कि लर्निंग की, आवर्स की, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर्स की, तो अब जैसे ही कंटिन्यूएशन में आपने 10-12 घंटे की आपने पढ़ाई कर ली है और अब आपको खाना खाना है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो स्टूडियस स्टूडेंट थे उनका जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि 80% स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं, बैलेंस डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, ना कम ना ज़्यादा। बैलेंस डाइट चार्ट बहुत ज़रूरी है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन के लिए, सो ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। और जब मैंने रिजल्ट देखा तो उसमें ये भी था कि 70% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे कि जो वेजिटेरियन थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वेजिटेरियन डाइट थी, लेकिन उनमें कुछ लोगों ने कहा है कि पीजी की पढ़ाई के दौरान उन्होंने नॉनवेज भी शुरू किया, और 40% स्टूडेंट ऐसे निकले जो कि बोथ वेज
और नॉलेज को फॉलो चार्ट को फॉलो करते थे। तो डाइट भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, आपको बैलेंस में ही खाना है ताकि जो भी एनर्जी आपका ब्रेन यूटिलाइज कर रहा हो वो सफिशेंट मिले, अदरवाइज ब्रेन डिप्राइव होगा और फोकसिंग और कॉन्सेंट्रेशन में उसको प्रॉब्लम आएगी। तो ये हैबिट्स बहुत ही जरूरी हैबिट्स है जिसको आपको ध्यान देना है। एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया दोस्तों कि लोगों का स्टाइल, पढ़ाई का स्टाइल अलग अलग होता है, कुछ ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ कोचिंग क्लास में जाके ही पसंद करते हैं। तो हैबिट्स जब मैंने पूछा तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें अकेले पढ़ने में पसंद है, अकेला पढ़ना पसंद है, उन्हें डेप्थ में स्टडी करना पसंद है, इसलिए वे कोचिंग, ऐसी कोचिंग चाहते हैं जो 6 घंटे 7 घंटे की कोचिंग हो, ना ही 10-12 घंटे की। 6 से 7 घंटे की कोचिंग अटेंड करने के बाद उनके लिए इतना समय जरूरी है कि सेल्फ स्टडी कर सके। हाँ दोस्तों, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेप्थ में स्टडी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ फुल फोकस होकर तभी कर सकते हैं जब आप अकेले स्टडी कर रहे हो। उनमें से 20% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बताया कि ग्रुप स्टडी भी करते थे लेकिन वंस इन अ वीक, और कभी कभी फ्रेंड के साथ भी स्टडी करते थे, लेकिन ज़्यादातर 80% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें अकेले पढ़ना पसंद था। हैबिट की मैं बात करूँ तो कोचिंग क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। कई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं अगले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर जरूर करें। मेरे आगे के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा जिससे कि आप लोग नीट एग्जाम्स आसानी से क्रैक कर सकें। टिल देन गुड बाय।